जिले के पिंडवाड़ा में दो भालू ने बालिका पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि बालिका शौच करने जा रही थी, तभी अचानक दो भालू उस पर हमला करने पहुंच गए। हमले में ये बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, तो वहीं परिजनों ने बीच बचाव कर इस बालिका को छुड़वाया वहां से, उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बालिका की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो स्वरूपगंज क्षेत्र में यहां पर भालुओं ने बालिका पर हमला किया। आपको बता दें कि फिलहाल जो घायल बच्ची है उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बीच बचाव कर इस बच्ची को वहां से भालुओं के हमले से बचाया, तो लेकिन फिलहाल वो घायल है, घायल अवस्था में इलाज उसका अस्पताल में अभी भी जारी है। और स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फुलाबाई खेड़ा का ये पूरा मामला आपको बता दें कि दो भालुओं ने बालिका पर यहाँ हमला एक किया, जिसके बाद में बच्ची जो थी वो घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने पहुंचकर बीच बचाव कर इस बच्ची को उनके चुंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद अभी बच्ची का जो उपचार है अस्पताल में वो जारी है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यूसुफ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यूसुफ, जिस बच्ची पर हमला हुआ फिलहाल उसकी क्या स्थिति है और क्या कितने बजे की पूरी घटना रही? जी जी, जैसे बताना चाहता हूँ कि स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फुलाबाई खेड़ा में पूजा करके एक बालिका थी जो शौच करने जा रही थी, तभी अचानक दो बालों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिस पर पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। वही परिजन मौके पर पहुंचे तथा बालुओं से बचाकर उनको लाया जी। चलिए यूसुफ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सिरोही के पिंडवाड़ा के स्वरूपगंज क्षेत्र में भालुओं का हमला एक छोटी बच्ची पर रहा। आपको बता दें कि हमले में जो बच्ची है वो घायल हो गई और गंभीर रूप से घायल इस बच्ची का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। संवाददाता को आपने सुना जानकारी देते हुए स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के फुलाबाई खेड़ा का मामला। परिजनों ने पहुंचकर बीच बचाव करते हुए छोटी बच्ची को भालुओं के चुंगुल से वहां छुड़ाया, लेकिन तब तक जो बालिका थी काफी ज्यादा चोट उसको आ गई थी। फिलहाल घायल है, गंभीर घायल बताई जा रही है और उसका अस्पताल में इलाज अभी जारी है।